पाकिस्तान की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो हम चीफ मिनिस्टर साहब से यही कहेंगे कि मुजफ्फरपुर में जो गुंडे इमाम हुसैन को प्रभाव बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनसे औकाफ इमाम हुसैन को आजाद कराकर सही हाथों पर पहुंचाएं। वाकई अगर नियत सही है तो अल्लाह की भी मदद तुम्हारे साथ होगी और इमाम हुसैन का भी आशीर्वाद। लेकिन अगर इसमें कोई झूठ है और अगर मक्कारी है और अगर फरेब है इमाम हुसैन के औकाफ के साथ, तो जिस तरीके से साबिक हुकूमतों को हार का मुंह देखना पड़ा है, चाहे वो सेंट्रल की हुकूमत हो चाहे वो किसी दूसरे सूबे की हुकूमत, तो मुजफ्फरपुर बिहार पटना की हुकूमत को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन उस कुव्वत का नाम है कि जिसने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, जिसने जुल्म के सामने अपने घुटनों को नहीं टेका, जिसने जुल्म के सामने बैयत नहीं की बल्कि अपने बच्चों घरों और मानो दौलत को कुर्बान करके बता दिया कि सच्चाई का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, शराफत का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है, यही हमारे हुजूर की तालीम है, यही अंबिया का रास्ता है कि अपनी जात से किसी को नुकसान न पहुंचाओ। अगर तुम वजू कर रहे हो और कोई भी गैर मजहब का हत्ता के कोई जानवर या परंग प्यासा मर रहा है तो तुम्हारा वजू करना जायज नहीं है, बल्कि वो पानी उस हैवान और इंसान को देकर उसकी जान बचा लो, ये सबसे बड़ा वजू है। ये वो सबसे बड़ी बात है कि जो रसूल ने तालीम दी है। तो मुजफ्फरपुर प्रशासन की बदमाशी से आज इतना बड़ा इंकलाब पैदा हो गया, इतना बड़ा इंकलाब पैदा हो गया कि लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए। ना उन्होंने बारिश देखी, ना उन्होंने सूरज देखा, ना उन्होंने भूख देखी। बिहार कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, मुजफ्फरनगर कहाँ है, पटना कहाँ है, लेकिन नहीं, मौलाना सच्चाई के रास्ते पर हैं और हम मौलाना साहब के साथ में हैं। मौलाना तन्हा नहीं है, मौलाना की आवाज करोड़ों की आवाज है, मौलाना की आवाज हुसैनियों की आवाज है, मौलाना की आवाज सच्चे लोगों की आवाज है, मौलाना की आवाज दबने नहीं देंगे, हम तो दब सकते हैं, मौलाना की आवाज को मिटने नहीं देंगे। अल्लाह के हाथ में इज्जत है, हुकूमत बिहार के हाथ में इज्जत नहीं है, मुजफ्फरपुर प्रशासन के हाथ में इज्जत नहीं है, इज्जत उस पाक परवरदिगार के हाथ में है कि वो जिसको चाहे इज्जत बख्शे, जिसको चाहे जिल्लत बख्शे। लेकिन अगर कोई इस दुनिया में अच्छे काम अंजाम देगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा, और जो भी बुरे काम अंजाम देगा, अल्लाह उसके गले में जिल्लत का तोक डालेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
आमादी का इजहार किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Thank you.